हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं हूं अभिषेक। एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे फिल्म हम आपके है कौन के बारे में, मतलब इस फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट के बारे में बताऊंगा। इस फिल्म के बारे में मैं छोटा सा रिव्यू भी शेयर करूंगा और आखिर में इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट भी बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखना, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, हम आपके है कौन आज से ठीक 30 साल पहले मतलब 5 अगस्त को रिलीज हुआ था। फिल्म के लीड रोल में थे सलमान खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, मोनीश बैल, रेणुका सहाने, आलोक नाथ, रीमा लागू, हिमानी शिवपुरी, बिंदु, सतीश शाह, दिनेश हिंगो और लक्ष्मीकांत बेर्डे और भी बहुत सारे सही कलाकार इस फिल्म में थे। सो फ्रेंड्स, हम आपके है कौन एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा मूवी है। फिल्म को प्रोड्यूस किया था राजश्री प्रोडक्शंस ने, मतलब अजीत कुमार बजातिया, कमल कुमार बजातिया और राजकुमार बजातिया ने। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर थे सूरज कुमार बजातिया और इस फिल्म के डायलॉग भी लिखे थे सूरज कुमार बजातिया ने। फिल्म का म्यूजिक दिया था राम लक्ष्मण ने और इस फिल्म के गाने लिखे थे देव कोहली और रविंद्र रवाल ने। सो फ्रेंड्स, फिल्म का बजट था 6.25 करोड़। इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस में इनकम किया था ओनली 10 लाख और पहले वीकेंड के बाद कलेक्शन था 29 लाख, जो कि एक डिसअपॉइंटिंग नंबर था। और पहले वीक में भी इस फिल्म का कलेक्शन था 68 लाख ओनली और लग रहा था कि ये फिल्म एक डिजास्टर्स फिल्म साबित होगा, क्योंकि ये फिल्म केवल 70 स्क्रीन्स पे रिलीज हुआ था ओनली। तो क्रिटिक्स थे वो प्रेडिक्ट किए थे ये फिल्म एक डिजास्टर्स फिल्म साबित होगा, लेकिन जो लोग इस फिल्म को देखने गए थे इतना पसंद किया इस फिल्म को कि एक हफ्ते के बाद अपना जो जलवा था वो दिखाना शुरू किया और ये फिल्म बहुत दिन तक चला, मतलब 100 वीकेंड चला था, इसलिए इस फिल्म को फ़ायदा मिला। और जो लोग देख के गए थे वो लोग रिकमेंड कर रहे थे दूसरे को कि ये फिल्म को देखने थिएटर पर जाए, क्योंकि उस जमाने में आज की तरह वो पायरेसी था नहीं कि लोग घर पर बैठ के देख लेंगे, एक दिन रिलीज होता है उस दिन देख लेंगे, वैसा उस टाइम पर नहीं होता था। इसलिए जो लोग देख के आए थे रिकमेंड कर रहे थे दूसरे लोग को देखने के लिए और वो भी कुछ जा रहे थे, 2-3 बार 4 बार करके इस फिल्म को देखा गया। इस वजह से इस फिल्म का जो कलेक्शन था वो डे बाई डे बढ़ता गया और ये फिल्म अपने जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो किया था 72.47 करोड़। आप सोचिए 10 लाख की ओपनिंग और वो फिल्म आखिर में आया 72.47 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुआ था। दोस्तों, आउटस्टैंडिंग कलेक्शन। स्क्रीनशॉट है, अगर आप लोग चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। अगर इस फिल्म के बारे में मैं अपना छोटा सा रिव्यू शेयर करूं दोस्तों, एक ही वर्ड बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा, आउटस्टैंडिंग मूवी, मतलब जितने बार भी देखोगे ना दिल नहीं भरेगा, इतना बेहतरीन फिल्म है, सब कुछ बढ़िया है इस फिल्म में, मतलब खुद को कनेक्ट कर लोगे इस फिल्म से, मतलब लगेगा कि ये तुम्हारी स्टोरी है। एवरीथिंग इज सो परफेक्ट इन दिस फिल्म दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। सलमान खान ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, माधुरी दीक्षित बहुत ही खूबसूरत दिखी और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किए उन्होंने भी इस फिल्म में। अनुपम खेर, चाहे वो आलोक नाथ हो, मोनीश बैल, रेणुका सहाने, सभी ने बहुत बेहतरीन काम किया इस फिल्म में। लक्ष्मीकांत बेर्डे, एक्सलेंट परफॉर्मेंस बाई हिम टू। ओवरऑल इस फिल्म के गाने बहुत बेहतरीन है, इसमें कॉमेडी है, रोमांस है, इमोशन है, सब कुछ है, सब कुछ मिला के एक आउट एंड आउट फैमिली मूवी है, पारिवारिक फिल्म है। डेफिनेटली मुझे पता है सभी लोगों ने इस फिल्म को देखा है, अगर अभी भी आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखे हो तो इस फिल्म को जरूर देखना दोस्तों, ये फिल्म नहीं देखोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ऑल टाइम क्लासिक फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा, जैसे शोले है वैसे हम आपके है कौन भी है, जरूर देखना इस फिल्म को। अब दोस्तों, इस फिल्म के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट। इस फिल्म में पहले प्रेम के रोल के लिए सलमान खान से पहले आमिर खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन आमिर खान ने इस रोल को करने से मना कर दिया था और उसके बाद सलमान खान को ऑफर किया गया था। उस टाइम पे सलमान खान का जो करियर था वो डाउन चल रहा था, उनकी जो फिल्में थे बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल रहे थे, फ्लॉप हो रहे थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को साइन किया और ये फिल्म उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट फिल्म साबित हुआ था। जब सूरज बजातिया इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो जूह चावला ने सुना था स्क्रिप्ट को और वो चाहती थी इस रोल को करने के लिए, उन्होंने ये बात कही भी थी सूरज बजातिया को, लेकिन उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी वो माधुरी दीक्षित को साइन कर चुके थे। दोस्तों, इस फिल्म में माधुरी दीक्षित को सलमान खान से ज़्यादा फीस मिली थी, उनको इस रोल के लिए जो रकम मिली थी वो थी 2.75 करोड़, जो कि सलमान खान से ज़्यादा थी इस फिल्म में। तो इस फिल्म में पहले आलोक नाथ के रोल के लिए राजेश खन्ना को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया और फाइनली आलोक नाथ को लिया गया इस फिल्म में। दोस्तों, ये फिल्म 100 वीक तक चला था उस टाइम पे, जो कि एक लॉन्ग रनिंग मूवी साबित हुई थी। ये पहली फिल्म थी जो कि 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार किया था बॉक्स ऑफिस पे।
दोस्तों इस फिल्म में एक सीन था जहाँ पे रेणुका सहानी सीढ़ी से गिर जाती है, जो सीढ़ी था वो स्पॉन से बनाया गया था। दोस्तों ये था कुछ फैक्ट इस फिल्म के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। किसी फिल्म के बारे में अगर जानना चाहते तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। टिल देन दोस्तों टाटा बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे कूल मैन।